फेसबुक के पेज प्रोफाइल कहीं पे भी वर्क कर रहे हो, लोगों का बड़ा डाउट रहता है कि सर हमारे पास व्यूज़ नहीं आ रहा है, व्यूज़ नहीं आ रहा है तो क्या करें, इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या ऐसा स्ट्रक्चर्स को फॉलो करें ताकि हमारे व्यूज़ बढ़ना स्टार्ट हो। भैया देखो ऐसा है कि रील्स पे व्यूज़ नहीं आ रहा तो कम से कम आप ट्राई कर देखो, चाहे रील्स हो चाहे आपका लॉन्ग वीडियो, दोनों ही केस में आपको जो SEO पार्ट है उसको आपको फॉलो करके रखना है, यानी प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में आपको अपलोड करना है। ऐसा नहीं कुछ उठाए से डाल दिया बस खत्म, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बट कई बार क्या होता है कि नई ऑडियंस तक हमारा पेज प्रोफाइल पहुंचता ही नहीं है, उसका रीजंस क्या होते हैं आप देखोगे यहाँ पे, जैसे आप ध्यान से समझो पहले फिर आपको डिटेल्स में क्लियर करता हूँ और चीज़ें। जैसे आप देखोगे यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे आपका पेज टेक राजमन यहाँ पे आपके पास शो कर रहा है, तो आपको जस्ट अपने शी डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना है, और जैसे शी डैशबोर्ड पर क्लिक करो तो आप देखोगे फेसबुक यहाँ पे आपको खुद भी एक चीज़ बता रहा है और बोला पेज कैन बी रिकमेंडेड, और ये बोल रहा है मोर पीपल कैन सी व्हाट यू शेयर बिकॉज यू कैन सजेस्ट योर पेज, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा क्योंकि ये खुद चाहते हैं कि भाई ये ऑडियंस तक पहुँचाएं कि भाई लोग आप क्या शेयर कर रहे हैं, क्या पोस्ट कर रहे हैं, लोग जाने आपके इन सब चीज़ों के बारे में। तो इसके लिए आप यहाँ पे देखो जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे स्टार और स्टार सब ये भैया होने लग जाता है, और ये बेसिकली क्या यहाँ पे बता रहा है कि भाई अपने इन साइट्स वगैरह को प्रॉपर चेक कीजिए, पेज रिकमेंडेशन है या नहीं वो सब चीज़ें चेक कीजिए। और आप देखोगे यहाँ पे रिव्यू पेज रिकमेंडेशन स्टेटस आप यहाँ से भी देख सकते हैं, या आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आइए आपके पास यहाँ पे भी एक आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा जो कि आप देखेंगे पेज रिकमेंडेशन का है, इस पर क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ देखो आप यहाँ कि टैग राजमन पेज रिकमेंडेशन तो है, सब कुछ ग्रीन है, सारी चीज़ें फाइन है, और यहाँ पर बोल भी रहा है कि वी आर हेल्पिंग यू ग्रो योर ऑडियंस बिकॉज पेज लाइक योर विलिंग पीपल टू गैदर योर पेज इज नाउ लिस्टेड लिट्स वेयर वी सजेस्टेड पेज टू न्यू पीपल्स, मतलब हमारा पेज जो एक ऐसी कैटेगरी में रखा हुआ है जहाँ पे नए पेज लोगों तक ये पेज पहुँचाया जाता है। बट आप देखोगे यहाँ पे क्या कुछ प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गया, फ्लैट कंटेंट आ रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पे स्टार्टिंग हेल्दी कन्वर्सेशन एंड शेयरिंग यूनिक कंटेंट मींस वी आर शोइंग योर पेज टू न्यू पीपल्स, यानी ये तब करेगा जब आपका पेज पे कंटेंट जो है ओरिजिनल रहेगा, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, यूनिक रहेगा तब। अभी देखो यहाँ पे मैनेज आ रहा है किस बहुत सारे लोगों का हो सकता है, इसके अलावा मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, मैं अभी काम आएगा मेरे थंबनेल में। तो कई लोगों का यहाँ पर क्या होता है कि आपका कई लोगों का ऐसा भी दिखता है, देखो कई लोगों ने मुझे ऐसे भी फॉरवर्ड किया ग्रोथ एट रिस्क है, प्रोफाइल हैज़ सम वॉल्यूशन, और यहाँ पर बोल रहा है भाई डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वॉल्यूशंस आ रही है, उसको आप वॉल्यूशन डिटेल चेक करो। तो ये सब क्यों आता है और इसका सॉल्यूशन क्या है, तो देखो सबसे पहले तो भाई अगर वो ग्रोथ एट रिस्क वाला तो मतलब आपका प्रॉब्लम है, ये बात ध्यान रखिए। तो जितना भी कंटेंट पे प्रॉब्लम आ रहा है उनको हटाओ। जैसे आप देखोगे यहाँ पे मैनेज कंटेंट पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि पोस्ट वाज नॉट रिकमेंडेड, ये पोस्ट पर्टिकुलर रिकमेंडेड नहीं होगी क्योंकि ये बोल रहा है कंटेंट हैज़ द पेज दैट वाज फ्लैग्ड एज अनसेफ। अभी क्या है 3 दिन पहले बोल रहा है आपका एक कंटेंट आया था और इसमें देखो एक वर्ड समझो इट्स वाज फ्लैग्ड ऑटोमेटिकली, मतलब ये अपने आप हुआ, ऐसा नहीं किसी ने इसको रिपोर्ट किया कुछ किया, नहीं अपने आप हुआ। इसमें है क्या वो भी समझते हैं हम। देखोगे आप इसके अंदर यहाँ पे एक वीडियो था, देखो मैंने यहाँ पे 3 दिन पहले लाइव आया था, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये देखो टेक राजमन पे मैं 3 दिन पहले लाइव आया था और इस लाइव के अंदर मैंने बताया था कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। देखो ये क्या डिटेक्ट कर रहा है, बोला सेंसिटिव कंटेंट है, तो मे भी हो सकता है किस पर्टिकुलर किसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हो, कोई चीज़ हो जिसमें यहाँ पे क्या बोलता है, जैसे देखो बोलता है इम्पैक्ट क्या है आप यहाँ पे देखो इस तरीके से आप बोल रहा है कि पेज योर टेक डाउन आफ्टर, मतलब बहुत सारा चीज़ है जो बोलता है कि कहीं ना कहीं ये हम नए लोगों तक पहुँचाएंगे नहीं, आप देख रहे हैं यहाँ पे नए लोगों तक हम पहुँचाएंगे नहीं, यहाँ पे जो आपका पेज का जो ग्रोथ है उसको हम ख़त्म कर देंगे, और यहाँ पे रिड्यूस योर पेज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा करके। तो भाई देखो जब तुम्हें पता है कि ये अलर्ट दे रहा ऑटोमेटिक डिटेक्ट किया है तो आप इसको क्या करो हटा दो, कोई टेंशन नहीं। देखो ऐसा लाइव तो 10 बार और आ जाओगे यार, लेकिन अगर इसकी वजह से अगर आपका वो चीज़ ख़त्म हो गया तो प्रॉब्लम है ना, तो इसलिए इस चीज़ को हटा दो। कैसे, यहाँ पे टेक डाउन पे जाओ और यहाँ से उस पोस्ट को आप डिलीट कर दो, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ से इस पोस्ट को डिलीट मार देंगे तो ऑटोमेटिक आपकी वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, ठीक 100% हो जाएगा। मुझे इसका रील्स बनाना है इसलिए मैं इसको भी डिलीट नहीं मार रहा हूँ, अभी रील्स के बाद इसके बाद एक रील आएगी उसको भी आप देख लेना, 100% ऐसे ही वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये चीज़ आप यहाँ पर डिलीट मारोगे तो आपका फ्लैट कंटेंट का जो इशू है वो हट जाएगा। प्लस जो ये वाला आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये वाला इस वाले के लिए भी यहाँ पे अपना वॉल्यूशन डिटेल चेक करो, देखो कि एग्जैक्टली किस टाइप का प्रॉब्लम आपको वो दिखा रहा है, कैसा वो बोल रहा है, उसको आप हटाओ वहाँ से, ठीक है। तो कहने का मतलब कंटेंट्स को हटाना बहुत ज़रूरी है।
अगर आप कंटेंट नहीं हटाओगे तो वो समस्या ऐसी बरकरार रहेगी। बाकी बहुत सारे लोगों का जो है पेज नॉट रिकमेंडेड चला जाता है, तो भैया देखो अपना एडमिन वगैरह चेंज करो, कंटेंट अच्छा डालो, कंटेंट यू कैन ट्राई कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइव वगैरह हो, ये सब चीज़ें प्रोसेस फॉलो करो और डेफिनेटली वो सब चीज़ें धीरे धीरे फिर रिजॉल्व हो जाएगी। सो गाइस ये था एक अपडेट आप सबके लिए पेज रिकमेंडेशन को लेकर। आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई। बाकी इसका एक शॉर्ट वीडियो भी आएगा, जो फ्लग कंटेंट आ रहा ना ये हट जाएगा, वो आप शॉर्ट्स वीडियो देखिएगा यानी रील्स देखिएगा, आपको उसमें दिख जाएगा 101% वो हट जाएगा। ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि वो यार इतना व्यूज़ गया है उसको कैसे डिलीट मारे, भाई उसने डिटेक्ट किया है कुछ ना कुछ, हो सकता है कि उसकी AI उसकी मशीन ने उसको डिटेक्ट किया हो। मैं भी किसी मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि भैया हमारे जब मैं लाइव आता तो बहुत सारे लोग किसी न किसी मुद्दे पे बात कर रहे होते हैं, उसको लग रहा हो ये क्या कन्वर्सेशन चल रहा है इसमें, जिसकी वजह से इसने ऐसा बोल दिया। सो ये बात ध्यान रखिए और चीज़ों को आप फॉलो करें, यू कैन ट्राई कि आप ऐसे चीज़ों से बचें। ठीक है, और आपका जो पेज रिकमेंडेशन है उनको आप सेफ रखें, तभी आपका पेज का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा और काफ़ी लोगों तक जाएगा, अन्यथा प्रॉब्लम में ऐसा ही बना रहेगा। सो गाइस आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। बाकी इसके अलावा कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और हाँ जिनका नॉट रिकमेंडेड है भैया लाइव आओ, अपना ओरिजिनल वीडियो डालो, सारी चीज़ें आप करो, उस पर प्रोसेस काम करो अच्छे से, तब वो ऑटोमेटिक आपका हट जाएगा, टाइम लगेगा लेकिन ये बात ध्यान रखें। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा आप फेसबुक का रिपोर्ट कर सकते हैं। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट। ठीक है।